बहुत सारे व्यूअर्स को नहीं पता होगा एक स्पोर्टिंग क्लब का कल्चर कैसा होता है और वो भी मोहन बागान जैसा लेजेंडरी क्लब क्योंकि हम लोग छुटपन में जब अखबार पढ़ना सीख रहे थे सात साल आठ साल की उम्र में कि न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए तो रोज़ पढ़ते थे तो वो स्पोर्ट्स के पेज पे होता था कोई एक जे सी टी फगवाड़ा एक मोहम्डन स्पोर्ट्स जी एक मोहन बागान एक ईस्ट बंगाल तो लगता है ये कोई बहुत बड़ी चीज़ क्योंकि इनके बारे में अखबार भी छपरा है कि इन्होंने इनको हरा दिया फिर चर्चिल ब्रदर्स का एक क्लब होता था लिए भी खेला जी हाँ गोवा में जी सो so, जो कल्चर कहाँ से पिक करते हैं ये खिलाड़ियों को स्काउट कैसे करते हैं इनका अपना फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कैसा होता है तो मोहन बगान ईस्ट बंगाल जब मैं स्टार्ट जब मैंने स्टार्ट किया तब ये एक अलग दबदबा था इनका कि अगर मतलब ये सपना सबका था कि अगर जाना है यहाँ खेलना है मतलब मदीना मक्का यही है इधर जाना है एंड में अभी कॉन्टेक्स के लिए अभी चेंज हो गया है आयसल जब से आ गया हर एक स्टेट का अपना अपना एक बड़ा क्लब है डिपेंडिंग ऑन कौन, कौन कैसा कर रहा है वैसे ही है अभी भी मोहन मोनमान बड़े नाम हैं पर बाकी बड़े नाम भी आ गए हैं जहाँ तक कि आपको नाम कमाने से मतलब है इंडियन टीम में से मतलब है पैसे कमाने से मतलब है बाकी तो चीज़ें भी आ गई हैं पर उस टाइम पर अगर आपको इंडिया खेलना है बड़ा पैसा कमाना है ये यहाँ जाना है आपने और जो स्ट्रक्चर था उस टाइम पे इनको तो मनोपली थी जो बेस्ट टैलेंट है उन्हीं को लेते थे वो अगर आप ट्रायल पे जाओगे भी कौन तो कौन से टॉप थ्री क्लब्स थे इंडिया के तब मोहन बगान ईस्ट बंगाल यहाँ पर मतलब कैलकाटा में मॉमडन भी बहुत नाम था पर इन टर्म्स ऑफ कंपीटिंग ये दो बेटर थे मोहन बगान ईस्ट बंगाल चर्चिल थे जेसीडी थे ये सब थे डेम्पो भी डेम्पो भी था गोवा से डेम्पो चर्चिल सलगांव ये सब थे सलगांव कर बट मेन पैसा रुतबा हिस्ट्री ऑफ कोर्स मोरम यही दो बड़े आ, सेंटर हैं बंगाल एंड गोवा फुटबॉल हाँ, के बंगाल बंगाल गोवा केरला हैदराबाद लिटिल बिट ये सेंटर्स थे मेन अभी फिर भी थोड़ा और पैन इंडिया हो रहा है तो फगवाड़ा की टीम फिर कैसे पार? पंजाब एक पंजाब बस एक ही फगवाड़ा पंजाब फगवाड़ा उन्होंने फोर्थ संभाल रखा था और मैं उनके लिए भी खेला हूँ और बहुत बेहतरीन टाइम स्पेंड किया वहाँ पर सैडली वो टीम भी बंद होगी फ्रॉम नॉर्थ बट स्ट्रक्चर यही था कि आप लोकली अपने टैलेंट्स को देखो बड़े क्लबों का ये फ़ायदा था कि कहीं भी बात हो रही है कोई भी लड़का अच्छा खेल रहा है हाँ उसको ले आओ घमंड इतना था कि ले आओ देख लेंगे उसको टाइप्स और सब भागते भी थे कि भाई उन्होंने बुलाया टाइप्स जैसे मैंने बताया कि मैं भागते हुए गया सिर्फ सेल अकेडमी के लिए फ़गैट मोहन बगान मुझे अकेडमी बुलाया मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी तो ये स्ट्रक्चर होता था आप दस से ग्यारह महीने क्लब में रहोगे डिफरेंट डिफरेंट टूर्नामेंट्स खेलोगे तो बहुत सारे लोकल टूर्नामेंट्स थे अभी और स्ट्रक्चर्ड हो गया है एक आई है जो कि सात आठ महीने चलता है एक सुपर कप है और एक डूरन कप है तीन राउंड में खेलती है ये ब्लू थोड़ा प्रीमियर लीग से लिया गया है या बाकी जितने भी बैटर कर रहे हैं उन कंट्रियों से लिया गया है तो अभी थोड़ा और प्रोफेशनल हो गया है पहले था वही डिफरेंट डिफरेंट टूर्नामेंट खेलेंगे लेकिन आप आठ से लेकर दस महीने एक क्लब के साथ हो और इस दौरान जब भी इंटरनेशनल डेट्स डि आएंगे जब कंट्री ने खेलना है तो कंट्री के बेस्ट 25 प्लेयरों को तब तो पेपर में नाम आता था ओ आप ऐसे वेट कर देते हैं अभी तो ऑनलाइन आ जाता है तो पेपर में नाम आएगा आपको वेट करना पड़ेगा कोई फ़ोन कॉल नहीं है वगैरह वगैरह आज तो ऑनलाइन है यू विल गेट अ फ़ोन कौन सा कौन सा से सेक्टर फ्लाई करोगे पहले पूछ लेगा मैनेजर आपको वगैरह वगैरह इट्स मोर प्रोफेशनल तब तो वेट करो आप और उधर ये भी दिया जाएगा कि भाई कैंप यहाँ शुरू होगा इस दिन यहाँ पहुँचना है और आप ट्रेन लेके पहुँच रहे हो वो भी क्या टाइम थे अभी चेंज हो गया ऑफकोर्स बट जनरल सेटअप यही था और उनकी हॉस्टल फैसिलिटीज़ फ़ूडिंग रगड़ा पट्टी रैगिंग ये सब कुछ रैगिंग क्लब में नहीं होता है रैगिंग होता है अकेडमीज़ में क्लब में आप, आप प्रोफेशनल प्लेयर बन गए हो जो एक चीज़ कॉमन थी वो थी जूनियर सीनियर का सेग्रीगेशन जो अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है तब क्या था शायद आपने भी देखा होगा ये जब आप बड़े हो रहे होंगे सीनियर मतलब सीनियर हिसाब है तरीका है इज़्ज़त से बात आनी है ज़्यादा नहीं हंसना है या चिल्लाना नहीं है गाली गलोच नहीं करना है आपको पता होगा कि आप कहाँ आप कहाँ सैंड करते हो वो अब ख़त्म हो गया है वो जो गैप था वो अब ख़त्म हो गया तब बहुत था तब जब मैं छोटा था इतना बॉजन नहीं किया बिकॉज सारे जूनियर यही वही थे चुप रहना है वो था ना जैसे मैं मार खा रहा था घर पे लगा लूँ मम्मी से सब मार खा रहे थे तो कहाँ से मेंटल टॉर्चर आएगा कभी हम जब बाहर मिले हम कभी बच्चों ने ये बात नहीं किया कि यारे यार मुझे मेंटल स्ट्रेस है मार तो खा रहे थे पर मेंटल स्ट्रेस शायद इसलिए नहीं आया अगेन मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ पर शायद इसलिए नहीं आया बिकॉज मैंने बोला मैंने दो थप्पड़ खाया मम्मी से मैंने चार खाए तीन खाया हम हंस रहे थे पर लगा लो अगर मैं जाके कि मैंने दो थप्पड़ खाए हैं और बाकी सब बोल रहे हैं थप्पड़ मार दिया तेरी मम्मी ने हमें तो नहीं पड़ती है तू पागल है क्या तो मैं खुद ही स्ट्रेस मार जाऊँगा भैया यार मुझे अलग से मार पिट रही है पर तब सेम था दो खाए चार खाए छः खाएं घर से बाहर निकाल दिया झाड़ू से बिटा ये तो हम सब ठीक ही थे तो उस टाइम पे जो जूनियर सीनियर का सेलिग्रेशन था डिवाइडेड बाय कलर यूनाइटेड बाय पिटाई पिटाई और सब हमारे जितने भी नाइन्टीज़ वाले थे एटी नाइन्टीज़ वाले सब नॉर्मल थे ऐसा कोई घर नहीं है कि हाँ यार मेरी मोम ने तो मुझे हाथ नहीं लगाया मेरे डैड ने तो मुझे गाली नहीं दी तो था ही नहीं काम सबका सेम था हम जो भी बड़े हो रहे थे सबका सेम था तो किसी को फर्क नहीं पड़ा कभी कभी ज़्यादा हो गए तो हाँ यार ज़्यादा पड़ गई यार ये होता था बस तो इवन जूनियर सीनियर सेग्रीगेशन तब बहुत डिस्टिंक्ट और डिफरेंट था वो सीनियर्स हैं वहाँ नहीं जाना है ज़्यादा ऐसी मजाक नहीं करनी है आप ये जाना है वगैरह वगैरह अब वो डिफरेंट हो गया अभी जब आप एक प्रोफेशनल सेटअप में साइन करते हो तो आपको ये रैगिंग वैगिंग इसकी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी